गुड मॉर्निंग. सो न्यू डे न्यू होप. आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इंटेलिसिस को जो तीन मंत्र है जो इंटेलिसिस फॉलो करता है. पहला, नो स्पेकुलेशन गाइस. नाउ स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टा, करेक्ट. इंटेलिसिस उसके अगेंस्ट में है. नो स्पेकुलेशन इज अवर फर्स्ट मंत्र. नाउ स्पेकुलेशन भी दो प्रकार के होते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेकुलेशन. पहला होता है बुलिश स्पेक्युलेटर. अ बुलिश स्पेक्युलेटर एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी स्टोराइज. अ बुल इज अ स्पेक्युलेटर हु बाय सिक्योरिटी विद द होप ऑफ सेलिंग देम एट ए हायर रेट ऑफ प्राइस इन फ्यूचर. और दूसरा होता है बेरिश स्पेक्युलेटर. अ बेरिश स्पेक्युलेटर इज वन हु एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी टू फॉल इन फ्यूचर. सो हम लोग इसके अगेंस्ट में हैं, नो स्पेक्युलेशन. दूसरा जो इंटेलिसिस का मंत्रा है, नो लेवरेजिंग गाइस. नो लेवरेजिंग. लेवरेज इज कॉमनली बिलीव्ड टू बी हाई रिस्क बिकॉज इट्स मैग्निफाइज द पोटेंशियल प्रॉफिट और लॉस दैट अ ट्रेड ट्रेडर कैन मेक. नाउ इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारा पोटेंशियल है $1,000 और लेट से इंडियन करेंसी में हम बात करें 5 लाख रुपए का पोटेंशियल है और हम उसको 25 लाख रुपए तक एक्सेसिव ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो इंटेलिसिस उसके भी अगेंस्ट में है. एंड थर्ड, अगेन नो ओवर ट्रेडिंग. ओवर ट्रेडिंग एंड लेवरेजिंग इज द सेम, बट स्टिल ओवर ट्रेडिंग रिफर्स टू द एक्सेसिव बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक बाय आइदर अ ब्रोकर और एन इंडिविजुअल ट्रेडर. सो अगेन, अगर मैं कंक्लूड करूं, इंटेलिसिस का मंत्रा है नो स्पेक्युलेशन, नो लेवरेजिंग, नो ओवर ट्रेडिंग. कायदे में काम करेंगे, फॉलो करेंगे, फॉलो करेंगे तो पैसा बनाएंगे, पैसा कमाएंगे तो हम लोग भी बोलेंगे कि यस, स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट ऑप्शन टू एंटर इनटू. जहां पर लॉकडाउन में जितने ट्रेडिशनल बिजनेस है सब लगी पड़ी है, सब जा रहे हैं, वहां पर अगर हम इस मंत्रा को अगर फॉलो करेंगे तो ऑफकोर्स हम लोग पैसा बनाएंगे और हम लोग लोगों को बोलेंगे कि यस, स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है. थैंक यू सो मच गाइस. हैव ए गुड डे, हैव ए गुड वीक अहेड. थैंक यू सो मच.